राजस्थान के जयपुर में उस वक्त नारी का नारायणी अवतार देखने को मिला जब उसका सामना चेन छीनने वाले बदमाशों से हुआ। असल में हुआ ये कि जयपुर में एक महिला सुबह 5:30 बजे अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। सड़क पे घुप सन्नाटा और हल्का हल्का अंधेरा था। इसी अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर बाइक पे आए गुलेल गैंग के 3 बदमाशों ने इस महिला की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने मजबूती दिखाते हुए बाइक पर सबसे पीछे बैठे एक बदमाश को जमीन पर पटक दिया। महिला से मुंह की खाने के बाद बदमाशों के इरादे पस पड़ने लगे। ऐसे में उन बदमाशों ने महिला से भिड़ने की बजाय चेन छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन चट्टान की तरह अड़ी इस लेडी के आगे उनकी एक ना चली। फिर काफी देर तक हाथापाई चलती रही। अकेले ही इस बहादुर लेडी ने बावरिया गैंग के 3 बदमाशों को छटी का दूध याद दिला दिया। बाद में किसी तरह ये बदमाश महिला की चेन छीनकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन जिस बहादुरी से महिला बदमाशों से लड़ी उसकी तारीफ चारों ओर हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, बदमाशों से भिड़ती हुई ये जाबाज महिला जिसने चेन खींचने के बाद हाथापाई में पूरी कोशिश की कि वो अपनी चेन वापस ले ले, लेकिन 3 लड़कों का ये गैंग जो चेन छीनने के लिए आया था वो आखिर में कामयाब हो गया। लेकिन तारीफ हो रही है तो महिला के बहादुरी की, और ये वाकया सुबह सुबह 5:15 बजे का है। और चलिए अब बात शक्ति उपासना के महापर्व की करते हैं, जिसका 4th दिन है और भक्त मां कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के 4th दिन घर घर में मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मां कुष्मांडा सृष्टि की आदिशक्ति स्वरूप मानी जाती हैं। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी पुकारा जाता है। सुबह से ही देश के मंदिरों में मां कुष्मांडा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। हर कोई इस खास दिन पर मां कुष्मांडा का आशीर्वाद पाना चाहता है। यूं तो हर दिन माँ की पूजा होती है, लेकिन नवरात्रि वो पर्व है जब देवी माँ की विशेष कृपा बरसती है। मां कुष्मांडा करेंगी भक्तों के सारे कष्ट दूर, रोगों से मिलेगी मुक्ति, यश और बल की वृद्धि होगी भरपूर। नवरात्र के 4th दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा का तेज सूर्य के समान है। इन्हीं की कांति से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। दूसरी कोई भी देवी देवता माता कुष्मांडा के प्रभाव की समता नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मौजूद तेज माता कुष्मांडा की ही छाया है। माता की 8 भुजाएं हैं, इसी वजह से उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा की पूजा के लिए माता कुष्मांडा को हरे रंग के आसन पर विराजमान करें। माँ को लाल वस्त्र, चूड़ी और लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को अक्षत, केसर, कुमकुम, मौली चढ़ाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं। घी के दीपक या कपूर से भी माँ कुष्मांडा की आरती करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के पूरे परिवार को सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है।
मां के आशीर्वाद से सभी संकटों से श्रद्धालुओं की रक्षा होती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग और शोक से मुक्ति दिलाती है और उनके बल, आयु और बुद्धि का विकास करती है। पूरे विधि विधान और आस्था से माँ कुष्मांडा की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं को संसार में यश की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी आज देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जाती है। सुंदर छवि वाली देवी कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में देवी कुष्मांडा के साधक कैसे करें पूजा और किस चीज का लगाएं मां को भोग, आइए जानते हैं। देखिए, नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा हो गया। हरे वस्त्र धारण करके या हरी चुनरी लेकर के माता कुष्मांडा का पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करिएगा। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः, ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। आप चाहें तो माता कुष्मांडा की पूजा के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। नवरात्रि के चौथे दिन का विशेष भोग, विशेष प्रसाद क्या है? माँ कुष्मांडा को यानी नव दुर्गा के चौथे स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। आपके अंदर जो मानसिक समस्याएं हैं या मन संबंधी समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। आज यानी नवरात्र के चौथे दिन मंदिरों में माँ कुष्मांडा की आराधना तो की जा रही है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वाला मंदिर में सुबह माँ कुष्मांडा का भव्य श्रृंगार हुआ, फिर पुजारियों ने भक्तों की मौजूदगी में माँ कुष्मांडा की आरती उतारी। दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कतारों में लगे भक्त माता के जयकारे लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। ये आज नवरात्र का चौथा दिन है जब माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है और भक्त सुबह से ही मंदिरों का रुख करते नजर आए। झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर माँ का सुबह श्रृंगार किया गया। उसके बाद आरती के बाद भक्तों के लिए जब द्वार खुले तो सभी भक्त वहां पे माँ के दर्शनों के लिए पहुंचे। और चलिए अब आपको छतरपुर मंदिर से मां के दर्शन करवाते हैं। छतरपुर मंदिर में सुबह से ही मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। शंख और घंटी के बीच भक्तिमय माहौल में माता की आरती उतारी गई। आलम ये रहा कि मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर जुटने लग गई। मां की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे हैं। दरअसल दिल्ली का छतरपुर मंदिर काफी प्रसिद्ध है और देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली घूमने जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो माँ के दर्शन के लिए भी यहाँ आते हैं। नवरात्र में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है।
तो मंदिरों में कैसी है रौनक, ये दिखाने के लिए हमारी संवाददाता शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी इस वक्त लखनऊ में बड़ा काली मंदिर में मौजूद है। दिल्ली से नीतूजा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल शिल्पी से बात करते हैं। शिल्पी देखिए, आज माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा हो रही है। भक्त अपने मन में ये दुआ लेकर आते हैं, ये प्रार्थना लेकर आते हैं कि अगर उनकी कोई भी तकलीफ है शारीरिक या मानसिक, उसे उन्हें निजात मिले। हमें दिखाइए कि भक्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने माँ की आरती और पूजा कैसे की। देखिए, सुबह से ही यानी भोर से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन दर्शन मैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को सबसे पहले कराती हूं, आपको सबसे पहले दर्शन कराती हूं। ये देखिए, पहले देवी माँ का स्वरूप, यहाँ नारायणी स्वरूप में माँ की पूजा होती है। और आप देखिए, आज नीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, श्रृंगार किया गया है, पुष्पों से बहुत भव्य तरीके से हम कह सकते हैं श्रृंगार किया गया है। और खास बात यह है कि यहाँ जो लोग भी आते हैं वो अपने मन की कामना को लेकर के आते हैं और मन की कामना को माँ पूर्ण करती हैं। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ नारायणी स्वरूप के स्थापित होने की जो मान्यता है, जो कथा है, वो अपने आप में उसको भी लोग यहाँ आते हैं तो उसकी चर्चा भी करते हैं, उसकी बात भी करते हैं कि किस तरह से यहाँ नारायणी स्वरूप में मां स्थापित हुई। क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी यानी नारायण और नारायणी की पूजा होती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है मां काली के स्वरूप में, ऐसी प्रतिमा कहा जाता है कि कहीं और नहीं है, क्योंकि दो विग्रह हमें दिखाई पड़ते हैं। इन बिल्कुल अनुपम है, यहाँ अनुपम है। हाँ, माता जी का स्वरूप, मनोकामनाएं माँ यहाँ की पूरी करती है। माँ का मंदिर 2500 साल पुराना, माँ का मंदिर, बिल्कुल माँ का मंदिर इतना पुराना है। और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं देखिए, वो भी क्योंकि उनकी भी सेवा कम नहीं है, तो ये भी जयकारा एक बार सुन। काली मैया की, चल वाली माता की, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आवाज न आई, इशारा वाली काली माई जी। शिल्पी, इस वक्त इन 9 दिनों में चारों तरफ जो गूंज सुनाई देती है वो सिर्फ माँ के जयकारों की गूंज होती है। लौटूंगे आपके पास, एक बार रुक करना चाहूंगी हमारी संवाददाता नीतू झा का, जो इस वक्त कालका जी मंदिर में मौजूद है। नीतू, इस वक्त जो है माहौल चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के नाम से जो है हर जगह गूंज रहा है, तो आप इस वक्त कालका जी में मौजूद है, क्या नजारा है, कितने भक्त है जो अभी तक पहुंच चुके हैं माँ के दर्शन के लिए? देखिए, सुबह से ही बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास बात यह है, नवरात्रों की अगर हम देखें तो नवरात्रों पे कपाट बंद ही नहीं होते, यानी आप कभी भी आइए, सिर्फ जब माँ को भोग लग रहा होता है उस वक्त लगभग 10 मिनट के लिए कपाट बंद होते हैं, आरती होती है, श्रृंगार के बाद भोग लगता है, नहीं तो 24 घंटे आप कभी भी आके यहाँ माँ के दर्शन कर सकते हैं। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगी, तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएं कि किस तरह से, आप किसी भी हिस्से में भी अगर अपनी नजर डालें तो आप ये देखेंगी कि आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। जब आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो बड़ी कतारें होती हैं, और एक चीज देखेंगे आप, शिकन किसी के चेहरे पे नहीं है, कोई थकता नहीं है। मैं जरा बात कर लेती हूँ, कहाँ से आई हैं माता जी? मांडी से आए हैं। थकान हो रही है? लंबी लाइन होगी, बहुत वक्त लगा? बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। थकी या नहीं? नहीं, थके तो नहीं है, मैया के आते हैं तो थकते तो नहीं है। बात ऑनलाइन गेम और गेमर्स की करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप इंडियन गेमर्स के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नौजवान गेमर्स के साथ गेमिंग के तमाम पहलुओं पर बात की, उन्होंने इनके साथ गेम्स पे हाथ भी आजमाया। इन टॉप गेमर्स में से कुछ के साथ हमारी सहयोगी श्वेता झा ने बात की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसा रहा इन गेमर्स का अनुभव, सुनिए इन्हीं की जुबानी। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के नामी प्लेयर्स या फिर कह लें कि क्रिएटर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ट्रेलर आ चुका है जो कि सबको बहुत पसंद आ रहा है, पूरा एपिसोड आना बाकी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं वही प्लेयर्स। हमारे साथ अंशु जुड़ चुके हैं, अंशु बिस्ट जो कि कहलाते हैं गेमर फ्लीट। हेलो अंशु। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और साथ ही हमारे साथ मिथिलेश पाटनकर हैं जो कि मिथ पैच कहलाते हैं अपने आप को। क्या बात है, सारे प्रोज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सबसे बातचीत शुरुआत करूं बातचीत की, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि पहली बार जब प्रधानमंत्री के यहाँ से बुलावा आया आप लोगों को तो कैसा महसूस हुआ, क्या रिएक्शन था? अंशु तू बता रिएक्शन, क्योंकि
पहले तो बहुत बहुत ज्यादा सडन था मैम, कि हम लोग जस्ट ऐसी फोन उठाया अपना और हम देखने लगे कि एकदम से हमें बताया कि हम लोगों को यहाँ जाना है, पीएम सर से मिलना है. एंड इट वॉज रियली क्रेजी. मतलब पहले तो ऑनेस्टली बताओ, मेरे को यकीन नहीं हुआ जब तक हम लोग वहां पर जाके बैठे नहीं और सर आए नहीं, तब तक मेरे को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो गेमिंग में तो आप लोग बहुत कुछ इमेजिनरी कर लेते हैं, यहाँ पे रियल फोन आया तब भी विश्वास नहीं कर रहे थे. जब तक ये हो ना जाए तब तक हमें सेलिब्रेट नहीं करना था, बिकॉज ही सच एन सच अ इंपॉर्टेंट मैन. सो इट्स लाइक हमें भी था कि एक बार मिल लेते हैं उसके बाद ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हुर्रे बोलेंगे. तो जब तक हम मिले नहीं तब तक ऑल वर लाइक नर्वस, या लाइक होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है. नहीं लग रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द ग्लोबल पावर वो आके हमसे मिलने वाले थे और गेमिंग के बारे में बात करने वाले थे. तो पूरे टाइम यही होता है कि ये पक्का रियल है ना जो होने वाला है. ये खुशी ना अभी भी अंशु आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है और लग रहा है अभी अभी आप मिलके आए हैं पीएम से. तो ये बताइए कि जब आप लोग वहां पहुंचे, उस कमरे में आपको बताया गया होगा बस अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी. मेरी किस्मत कैसी थी मैं आपको बताता हूँ. जैसे मितपैट भाई तो ऐसे बैठे हुए थे सर की तरफ को फेस करके, तो उनका डोर जो था वो डोर पीछे था उनके, बट मैं ऐसे बैठा हुआ था. हाँ. तो वो गलती से ना ऐसा बोला था हमसे कि सर अंदर एंटर कर चुके हैं प्रेमिसेस में, और वो डोर ना गलती से ऐसा हल्का सा किसी से खुल गया था और मेरे को वो दिख गए सामने. मैं मेरा हार्ट फेल होने को हो गया था. मेरा टाइम से अभी तक का नकली लगा था. हम चिल होके बैठे हुए थे, सारे बात कर रहे हैं आपस में कि कैसा चल रहा है सब ऐसे करके, और जैसे ही वो डोर खुला धक 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 धक, मेरे को लगा आप बेहोश होते हैं. अब नहीं होता है. तो मिथिलेश ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री ने वो आ गए कमरे के अंदर और आप लोगों से बातचीत करनी शुरू हुई, तो ये अंशुल जैसे कह रहे हैं कि लगा कि बस अब तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जब बात करना शुरू किया तो कैसा लगा ये बताइए. हमें 5 मिनट लगे डाइजेस्ट करने के लिए कि ओके ही इज एक्चुअली वो हमारे सामने बैठे हैं. एंड 5 मिनट के बाद उन्होंने सब चीजों को इतने मतलब हमें अच्छे से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया, तो हमें बहुत कंफर्टेबल हो गया. उसके बाद हम लोग 5 मिनट के बाद हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए. उसके बाद ऑनेस्टली बहुत फ्रेंडली थे वो हमारे साथ. लाइक इट डिडंट फील लाइक कि मतलब इट वाज वेरी वेरी लाइक टॉकिंग टू अस, हमारे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एंड हमें भी एकदम कंफर्टेबल कर दिया, तो हम लोग भी बहुत सारी चीजें शेयर कर सके उनके साथ. पायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि उनमें से एक थी, 7 लोगों में से एक थी. पायल कितना एक्साइटमेंट था जब फोन आया पीएमओ से? जैसे ही मुझे न्यूज मिली, मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम सच में जाने वाले. अगर आप वीडियो में देखो, टीजर में आप मेरा रिएक्शन देखो तो वैसा ही था. एंड मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि हम रियल में उनसे मिलने वाले हैं, बातें करने वाले हैं एंड गेम खेलने वाले, ये सब तो कुछ पता ही नहीं था. एंड एक्साइटमेंट लेवल मतलब बटरफ्लाइज इन स्टमक थे, और घर में भी कुछ बताया नहीं था स्टार्ट में, बिकॉज मैं खुद श्योर नहीं थी कि एक्चुअल में हो रहा है या ऐसे कुछ प्रैंक है, अप्रैल फूल है, बता नहीं. आप लोगों के लैंग्वेज में गेमिंग लिंगोज जो हैं उनमें कहते हैं ना कि हम तो प्रो हैं, तो आपको तो ये लगता होगा भाई मैं तो प्रो हूं. और जब आप गई होंगी वहां पीएम के यहाँ, तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था ये बताइए. आपको लग रहा था उस समय भी ऐसा ही? बिल्कुल भी नहीं. जब पूरा एपिसोड आएगा आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैं इतना नर्वस, क्योंकि जब हम वन ऑन वन बातें कर रहे थे आमने सामने बैठ के, एंड जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ था सर के साथ, मैं क्या बोल रही हूँ मैं वही भूल गई थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूँ, कैसे इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को, क्योंकि अपने मतलब कंट्री के लीडर के सामने आप बैठे हो, अपने बारे में उन्हें बता रहे हो, ऐसी चीज आप कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते, ऐसा सपना भी नहीं देख सकते. एंड गेमिंग को रिकोगनाइज करना, गेमर्स के साथ उनके साथ बैठना, बातें करना, वो तो हम लोग ने कभी नहीं सोचा था ऐसा पॉसिबल होगा. बट या थैंक्स टू अनिमेश, थैंक्स टू 8bit था, उन्होंने ये हमारे लिए पॉसिबल कर पाया. एंड थैंक्स टू आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके सामने जाके उनसे मिल पाए, उनके साथ बातें की, उनके साथ गेम खेला. तो सबसे पहली बात, जब आप उस जगह पे बैठी जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, आप लोगों को बताया गया कि बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और जैसे ही वो सामने आए कैसा महसूस हुआ, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं. हम सब पहले तो एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि एक राउंड टेबल था और सब आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे. सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, आपस में बोल रहे थे सर आने वाले. एक्साइटमेंट लेवल सबका बढ़ गया था और सब एकदम शांत माहौल हो गया था वहां पर. इतने सारे लोग थे, कैमराज थे, लाइट्स थे, बट जो सबका रिएक्शन था वो एकदम मतलब साइलेंट क्वाइट कि हाँ अभी सर एंटर करने वाले हैं. और वो टाइम मतलब ऐसा मैंने लाइफ में आज तक फील नहीं किया. वो एक जो एग्जाम हॉल में पहले जब हम एंटर करते हैं जो फीलिंग आती है ना,
काइंड ऑफ वैसी फीलिंग थी, बट उससे भी ज्यादा लाइक धक धक स्टार्ट हो चुकी थी सबकी, एंड सब एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे थे कि सर आ रहे. तो मतलब डर था थोड़ा सा, नर्वसनेस भी थोड़ी थी, एंड वो ही कहते हैं ना सर के लिए रिस्पेक्ट इतनी है कि वो अंदर से चल रहा था कि कैसे हम बात करेंगे, कैसे सर हमें देख के रिएक्ट करेंगे, बिकॉज गेमिंग को लोग एक अलग नजरिए से भी देखते हैं, गेमिंग को सर कैसे रिएक्ट करेंगे गेमर्स को देख के, वो सोच के हम लोग बहुत घबरा रहे थे. बट जैसे ही सर अंदर आए सारा माहौल ही चेंज हो गया, मतलब कम्प्लीटली उन्होंने वाइब भी चेंज कर दी. वो चेंज्ड माहौल कैसा था उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी. हमारे साथ अनिमेश एक और गेमर जुड़ चुके हैं जो कि अपने आप को 8-bit ठग कहलाते हैं. क्या है ये भाई, हमें बताइए, हमें उतना पता नहीं है. 8-bit एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, थग मेरा गेमिंग नेम है, ठीक है, और 8-bit मेरी टीम की नाम हुआ करती थी जब मैं 10 साल पहले गेमिंग स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से हमेशा मेरा नाम 8-bit थग ही रहा. अच्छा, और थग के पीछे जो कहानी है वो वीडियो में आएगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा. अच्छा, वो आप नहीं बताएंगे अभी, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस रहना भी चाहिए मुझे लगता है. सिक्किम में भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास किया. इस अभ्यास में 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों के टैंक नेस नाबूद करने की क्षमता परखी है. चीन बॉर्डर के पास हुआ यह युद्धाभ्यास देश के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है. अचूक निशाना, घातक वार और पलक झपकते ही दुश्मनों का टैंक तबाह. नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर के करीब चीन ने अपने टैंक रेजिमेंट तैनात कर रखे हैं. अगर चीन ने फिर कोई घुसताखी की तो दोनों देशों के टैंक आमने सामने होंगे. ऐसे हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल होगी. इस अभ्यास में सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी, जो इस युद्धाभ्यास के कामयाब होने का प्रमाण. हिंद के जवानों की ये तैयारी चीन को बेचैन कर रही होगी, लेकिन यही वो तैयारियां हैं जिनके दम पर हिंदुस्तान की सरहदें हमेशा दुश्मन की नजरों से महफूज रहती है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. और अब आपको वाराणसी पुलिस का सनातनी अवतार दिखाते हैं. दरअसल यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी अब वर्दी की जगह पुजारी की वेशभूषा में नजर आएंगे, जो श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के साथ साथ उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे. देखिए इस रिपोर्ट में. काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए आते हैं. वैसे तो ये मंदिर हमेशा से ही शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद से ही पिछले कुछ सालों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ी है. क्योंकि जब मंदिर परिसर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उन्हें थोड़ी असुविधा का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वाराणसी पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास तैयारी की है. दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी अब सनातनी अवतार में नजर आएंगे. मंदिर परिसर और गर्भगृह में पुलिसकर्मी वर्दी की जगह पुजारी की वेशभूषा में दिखेंगे, जिनकी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने की होगी. साथ ही पुजारी के वेश में तैनात ये पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे. पुलिसकर्मी वर्दी में होता है और ऐसे श्रद्धालुओं को वो आगे बढ़ाता है, तो श्रद्धालु को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है कि हमको धक्का दिया गया है, हमको वहां से हटा दिया गया. लेकिन जो हमारे अर्चक होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं हमारे, तो प्रायः ऐसे इन लोगों के प्रति एक श्रद्धा की भावना होती है और वो लोग जो भी कहते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं. ये हिंदू धर्म की इस तरह की धारणा पूर्व से रही है. तो इन पुलिसकर्मियों को इसी के तहत जो है अर्चक के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ताकि यदि वो इन श्रद्धालुओं को वहाँ से हटाएं तो उनको कोई
ठेस न पहुंचे, उनको खराब न लगे। मंदिर के गर्भगृह में तैनाती के लिए पुलिसकर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें उन्हें कई क्षेत्रीय भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। साथ ही भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब नो टच पॉलिसी पर भी काम कर रहा है और मंदिर में ही हेल्प डेस्क को भी विकसित किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉलिसी बनाई है कि किसी भी श्रद्धालु को हम हाथ से धक्का नहीं देंगे, उसकी जगह अगर कहीं पर जरूरत है क्राउड कंट्रोल की, वीआईपी का मूवमेंट है, तो हम रस्सों का सहारा लेंगे। हमारे चार सिपाही दोनों तरफ रस्से लेकर के चलेंगे और श्रद्धालु स्वतः ही रस्सों के बाहर रहेंगे। तो इस तरह की पुलिसिंग का प्रयास किया जा रहा है कि बिना किसी को धक्का दिए सभी को सुगम दर्शन भी हो जाए और हमारी वहां पर कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे। निश्चित तौर पर वाराणसी पुलिस की ये पहल श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत होगी और श्रद्धालु भीड़ में भी बिना किसी असुविधा के अपने आराध्य काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। अगर उनका सामना गर्भगृह में किसी पुजारी से हो तो ये न समझिएगा कि वो पुजारी है या अर्चक है, बल्कि वो पुलिसकर्मी भी हैं और वो हर श्रद्धालुओं की जिज्ञासा से लेकर सुगम दर्शन कराने तक की जितनी भी जिम्मेदारी हो सकेगी उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GLTV।